हम लोग अपना पैसा मांग रहे हैं कि हम लोग जो सहारा में पैसा डाले हैं वो पैसा सरकार हमें सुब्रत राय से दिलवा दे। पार्टी लोग जो है बहुत तंग करता है, घर आके गाली गलौज करता है, हम लोग को जीना मुहाल कर दिया है। पार्टी गाली गलौज मारामारी पर तैयारी होता है, कभी कभी तो सुसाइड करने का भी दिल करता है। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। सहारा इंडिया के निवेशक और कार्यकर्ता हैं, वो आज दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर वो बैठे हुए हैं और सहारा इंडिया के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हम आपको सीधे दिल्ली लेकर चलते हैं। दिल्ली में क्या कुछ जो सहारा इंडिया के एजेंट और निवेशक हैं वो कह रहे हैं, आप देखिए। मैं हूं आपके साथ सौरव राज। इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे आया हुआ हूं और यहां पे मेरे साथ कुछ बिहार से आए हुए लोग हैं जिनके सहारा में पैसा फंसा हुआ है। वो लोग अपने पेट को काट करके, अपने घर के बच्चों को भोजन ना करा करके वो अपने भविष्य के लिए सहारा में पैसा जमा किए थे, लेकिन सारे लोगों का पैसा फंसा हुआ है। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? जी, हम पटना से आए हैं। पटना से आए हैं जी। सुब्रत राय मुर्दाबाद का पोस्टर लेकर के लोग खड़े हैं जी। क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, हम लोग अपना पैसा मांग रहे हैं कि हम लोग जो सहारा में पैसा डाले हैं वो पैसा सरकार हमें सुब्रत राय से दिलवा दे, क्योंकि सुब्रत राय हम लोग से पैसा ठग लिया है और हम लोग के माध्यम से बहुत सारे पब्लिक का भी पैसा ठग लिया है। अब हम लोग को पब्लिक रोड पर चलने नहीं देता है, घर में चैन से रहने नहीं देता है, इसीलिए हम लोग धरना करने आए हैं कि सरकार हमारी बात को सुने और सुब्रत राय से हमारा पैसा दिलवा दे। कितना पैसा फंसा हुआ? देखिए, मेरा पर्सनल 13 लाख रुपया है। 13 लाख? 13 लाख रुपया है और मेरे द्वारा दलवाए गए लोगों का 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़? जी जी, एजेंट थे। जी हम एजेंट थे। अच्छा, तो हम इसीलिए हम लोग आंदोलन में आए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग का पैसा सुब्रत राय जैसा बेईमान के चुंगल से निकाल करके हम जैसे गरीब आदमियों की जो मेहनत की कमाई है वो हम लोग को वापस दिला दे। अभी बिहार से आए हैं? जी सर, बिहार से। आपका कितना पैसा फंसा हुआ? मेरा तो 25 लाख अपना है, पर्सनल। आपका अपना पर्सनल 25 लाख कमा करके जमा किए थे? जी जी, सहारे में काम करते थे। सहारा में काम करते थे? कहाँ घर हुआ आपका? फुलवाड़ी शरीफ, पटना। अच्छा, क्या करते थे आप? एजेंसी करते थे सहारा में। और 25 लाख रुपया फंस गया? जी सर, नहीं मिला है अभी। नहीं, अभी तक नहीं मिला। पार्टी लोग हम टॉर्चर करती है घर पाकर। अच्छा, जो एजेंट जिससे आप पैसा जमा करवाए थे आपको टॉर्चर करती है, अभी आप क्या करते हैं? अभी तो बैठे हुए हैं सर, बैठे हुए, बेरोजगार बैठे हुए हैं सर। और यहाँ दिल्ली में आकर के आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं सर। मेरी भी 2 बेटी है सर। 2 बेटी है? हाँ, वो शादी करने के रखे थे सर, बेटी भी सियानी हो गई। बेटी के शादी के लिए पैसा रखे थे सर? हम कहीं जानते थे आज ये दर दर भटकना पड़ेगा, दिल्ली जंतर मंतर आना पड़ेगा। दोनों बेटी मतलब शादी करने लायक हो गई है, उसी के लिए पैसा आप जमा किए? जी सर। तब शादी कैसे कीजिएगा? अब देखिए, भाग भरोसा पर है सर। भाग भरोसे? हाँ, भगवान के ऊपर, भगवान के ऊपर छोड़े हुए सर। आप भी बिहार से आए हैं? जी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, मैं अनिल सिंह, एडवोकेट संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। मैं पार्टी का स्पीकर भी हूं और मांगे क्या, सेल मांगे क्या आप भी लोगों की? साथियों, आज बहुत दुख का विषय है कि हमारे केंद्र की सरकार जो 10 साल से जो बैठी है, बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वो कहते हैं दूसरी बात कि कश्मीर से कन्याकुमारी एक है, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमने 35 और 370 समाप्त किया। साहब, आपने किया, आपकी उपलब्धियों को सलाम है, सारा खोपे है। आपने कहा कि पहले की सरकारों ने भारत, जी मुद्दे पे आ रहा हूँ, केंद्र की सरकार ने कहा कि पहले पिछली सरकारों ने सेना को कमजोर करने का काम किया। मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी, आपने भारत की जनता की आर्थिक ताकतों को कमजोर करने का काम किया है। और 10 साल से आज जितनी भी जो सेबी और RBI और ऐसी जितने भी रेगुलेटरी बॉडी है, जो चीट फंड कंपनियों के ऊपर में, एक अमित शाह ने एक बार 250 चीट फंड कंपनियों को बैंड लगाया था, वो उसके इन्वेस्टर कहाँ के थे? भारत के ही थे। उनके पैसे आज तक नहीं मिले। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है? सबका साथ सबका विकास का तो मैं एक ही अर्थ समझता हूँ कि केंद्र की सरकार रोज नए नए लोगों को, नई नई कंपनियों को पॉलिसी जारी करने का, इन्वेस्टरों से पैसे कमाने का हक दे, और जब पैसे जब गायब कर दे तो बस उस पे कानूनी अड़चन लगा करके छोड़ दो। इन्वेस्टरों को पैसा न मिला है न मिलेगा, ये कौन सा अभी बिहार से? जी जी, हम दानापुर पटना से। हाँ, दानापुर पटना से। हाँ, हाँ, मेरा अपना सहारा के एजेंट थे। एजेंट थे। कितना पैसा फंसा आपका? मेरा अपना जो 19 लाख रुपया है। आपका 19 लाख? जी जी। और पार्टी लोग का जो है
उसका कम से कम नहीं होगा तो 1.5 करोड़ रुपया होगा। पार्टी लोग जो है बहुत तंग करता है, घर आके गाली गलौज करता है, हम लोग को जीना मुहाल कर दिया है, घर से बाहर निकलना घर पर भी आ जाता है। अब ये बता दें, अब जिसका पैसा हो आप लोगों के पास आ रहा है, लेकिन आप लोगों को ऊपर से पैसा कंपनी से नहीं आ रहा है, कंपनी से नहीं मिल रही है, एक एक करके जो है ऑफिस बंद होते जा रही है, ऑफिस भी बंद होते जा रही है। तो सरकार कुछ इसके ऊपर काम कर रही है? नहीं, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार अगर ध्यान देती तो हम लोग यहाँ आंदोलन क्यों करते? आप लोग कोर्ट में भी गए थे? जी, कोर्ट में भी गए थे, तो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी हम लोग का था। तो क्या वहाँ से क्या हुआ? वहाँ हाई कोर्ट से बात हुआ, अब जो है तो डेट पर डेट मिलते चला गया। अब लास्ट में मैंने बुलाया गया सुब्रत राय को हाई कोर्ट में, ठीक है ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जो है तो वहीं से रोक लगा दिया, रोक लगा दिया। 4 घंटा में स्टे हो गए। हम भी पटना बिहार से आए हैं, बिहार से आए हम भी कार्यकर्ता। आगे 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 मेरा पूरा झोला लेकर आए हैं यहाँ पे। बिल्कुल, पानी वगैरह तो रखना जरूरी होता है ना सर जी। हाँ, हम आपका भी पैसा फंसा, हम भी जमा कर, मेरा नाम गणेश प्रसाद गुप्ता हुआ, पटना बिहार से है, हम जमा करता भी है, कार्यकर्ता भी है। मेरा अपना 10 लाख रुपया फंसा हुआ है, मेरा अपना पैसा 10 लाख रुपया फंसा हुआ है, और पार्टी का पैसा 3 से 4 करोड़ रुपया है। अब ये केवल 10 से 12 बरस से केवल कंपनी टाल मटोल कर रही है, कभी कहती है सेबी के पास केस चल रहा है, लेकिन टाल मटोल करके आज तक पैसा नहीं देती है। पार्टी गाली गलौज मारामारी पर तैयारी होता है, कभी कभी तो सुसाइड करने का भी दिल करता है, लेकिन मजबूरी में आदमी क्या करे, हौसला रखना है, नहीं करता है, पैसा ही सब कुछ नहीं। इसके पहले 28 जून को भी हम लोग लखनऊ में घेराव किए थे, लेकिन किसी तरह का कोई निदान नहीं निकला सर, इसलिए सरकार से चाहते हैं, भरोसा रखिए, कोर्ट पे भरोसा रखिए, सरकार पे भरोसा रखिए, सरकार से चाहते हैं कि मतलब सहारा का या इसी तरह का जो कंपनी है उसका पैसा जमाकर्ता को, कर्जकर्ता को मिल जाए। बताइए, आप कहाँ से आए हैं? दानापुर से आए। अच्छा, अभी एजेंट थे जी, आपका भी पैसा फंसा हुआ है? जी, फंसा हुआ है। आप भी? जी, हम बिहार के मोतिहारी जिले के चकिया शहर से, हम पैर से विकलांग भी हैं। हाँ, विकलांग भी हैं। जी, मेरे द्वारा अपना पर्सनल 40 लाख रुपया लगभग 20 साल कंपनी में काम करके जमा कराया गया है। हाँ। और 20 साल काम किए उसके उपरांत जमाकर्ताओं का लगभग 17 से 18 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कराया गया। आज ऐसी स्थिति हो गई कि हम घर पर रह नहीं पा रहे हैं, जमाकर्ता आए दिन आकर जान से मारने की धमकी देते हैं, रोड पर निकलते हैं तो हमारे बाल बच्चे हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं, कभी भी मेरे साथ कोई आकस्मिक घटना इसका कोई गारंटी नहीं है, हमारे हम लोग अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि भारत सरकार जो सेबी है, रेगुलेटरी बोर्ड है, वो जल्द से जल्द सुब्रत राय से हम तमाम जमाकर्ताओं के पैसों को दिलवाने की कृपा करें। अभी बिहार से आए? जी सर, बिहार से, दरभंगा जिला से आए सर। अच्छा, तो आपका अभी एजेंट थे? जी, हम भी एजेंट है, 25 साल से एजेंट है सर। सर, 25 लाख तो अपना फंसा हुआ है, करोड़ों जमा रुपया जो है जमा करता सब लेकर के। सुब्रत रॉय कहाँ है अभी? सुब्रत रॉय वो लखनऊ में है, लखनऊ में घूम रहा है, और आश्वासन पे आश्वासन मिलता जा रहा है 10 साल से जो है। हाँ। कोर्ट तारीख पे तारीख देते जा रही है, गरीब जनता जो है मर रहा है, लोग जो है लोग जो है लाठी डंडा से लेकर के घर पर एजेंट को जो है मारने के लिए दौड़ते हैं, गरीब बच्चिया गरीब लोगों के बच्चे की शादी ब्याह नहीं हो रही है, लोग मेडिकल में जा करके जो है दम तोड़ रहे हैं, और संस्था जो है समय पर समय देती जा रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, तब जाके हम लोग दिल्ली जा जाते हैं। ऐसे कई एजेंट हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पे अपने मांगों को लेकर के आए हुए हैं, बिहार से आए हैं और भी देश के दूसरे प्रदेशों से भी आए हुए हैं। आपको बता दें कि ऐसे कई परिवार बिहार के हैं जो सहारा के ऊपर भरोसा करके अपने रोजी रोटी में से काट करके पैसा जमा करते थे अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, लेकिन आज सारे लोगों का भविष्य अंधकार में है। दिल्ली से सौरभ राज। तो आपने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर सहारा इंडिया के जो भी कार्यकर्ता और जमाकर्ता है वो साफ साफ कह रहे थे कि उन्हें किस तरह से छला जा रहा है, वो सहारा इंडिया और सेबी के मामले की वजह से पीस रहे हैं, और मैच्योरिटी पूरा होने के बाद भी सहारा इंडिया की तरफ से उनका पैसा नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं यह सवाल है कि आखिर कब सहारा इंडिया, छोटे छोटे जो निवेशक हैं, गरीब निवेशक हैं, उनका पैसा उन्हें वापस करेगा, क्योंकि मैच्योरिटी 2 साल 3 साल पूरे हुए हो गए हैं, लेकिन सहारा इंडिया के जो निवेशक हैं उन्हें अपना पैसा नहीं मिल रहा है, लोग दर दर भटकने को मजबूर है। यह सवाल है आखिर सहारा इंडिया कब पैसा लोगों का वापस करेगा। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।